नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान ट्रैवल लिमिटेड में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी लेकर। दोस्तों आज का जो कैंपस प्लेसमेंट जो होने वाला है वो डाइकिन एयर कंडीशन लिमिटेड कंपनी का होने वाला है, जो कि दोस्तों एसी का निर्माण करती है। दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स में जॉब करना चाहते हैं एसी कंपनी में, दोस्तों एसी बनाने वाली कंपनी में वो जॉब कर सकते हैं। और इसमें कोई भी चार्ज अप्लाई का नहीं पड़ रहा दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है इसमें कि अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। और सैलरी आपको दोस्तों 16,000 से 35,000 तक मिल जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार। दोस्तों इसमें डिप्लोमा और क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन और आईटीआई वाले इसमें लिए जा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, बताते हैं और भी सारा कुछ क्राइटेरिया। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके आल पे भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, समझाते हैं सारा कुछ क्राइटेरिया। तो दोस्तों आगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम डाइकिन एयर कंडीशन लिमिटेड कंपनी है। और दोस्तों इसमें लिखा है वैकेंसी 2023 अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों डाइकिन एयर कंडीशन लिमिटेड जॉब लेटेस्ट जॉब वैकेंसी फ्रेशर एंड वी आर हायरिंग फ्रेशर डाइकिन मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल जॉब लोकेशन। दोस्तों यानी कि दोस्तों बहुत सारी जॉब लोकेशन पे हायर कर रही है कंपनी, जिनकी योग्यता दोस्तों 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा बीटेक बीए पास रखी गई है। तो दोस्तों जो भी ये योग्यताएं कैंडिडेट रखते हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन की, आपको क्या इसमें पोजीशन मिलने वाली। तो दोस्तों इसमें ट्रेनिंग असिस्टेंट ऑपरेटर एंड एग्जीक्यूटिव सुपरवाइज़र की इसमें पोस्ट मिल जाएगी आपकी योग्यता के अनुसार। और दोस्तों साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10th 12th डिप्लोमा आईटीआई पास कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे, और साथ ही साथ बीटेक एमई एमटेक पास कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीएससी यानी जो किए हुए हैं वो, और बीए बीकॉम पास आउट स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी ये इच्छुक कैंडिडेट हैं ये योग्यता रखते हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें जॉब लोकेशन की, तो आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन इसमें कई मल्टीपल जॉब लोकेशन मिलने वाली है। इसमें पुणे में मिलने वाली है जॉब लोकेशन, गुजरात हरियाणा रेवाड़ी सब कहीं आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा, जिसके बाद ही आपको वहीं से डिसाइड होगा कि कहाँ आपको जॉब मिलेगी दोस्तों, किस प्लांट पे। तो दोस्तों यहाँ पे एज की बात कर लेते तो दोस्तों 18 से 35 साल के कैंडिडेट इसमें लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों एज लिमिटेशन काफ़ी अच्छा रखा गया है। और साथ ही साथ बात करें सैलरी एंड बेनिफिट की, तो दोस्तों सैलरी इसमें 16,800 से लेकर 35,375 पर मंथ के मिल जाएगी, जिसकी जैसी योग्यता है जैसी पोस्ट रहेगी उस हिसाब से। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेनिफिट की, तो आप देख सकते हैं बेनिफिट इसमें पीएफ ईसाई कैंटीन बस एकोमेंडेशन एंड रहने एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, दोस्तों ये सब इसमें दिया जाएगा। दोस्तों यही सारी इसकी फैसिलिटी हैं, और ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें बायोडाटा और एक रिज्यूम जो कि अपडेट होना चाहिए। और दोस्तों ऑल मार्कशीट यानी जो जितनी भी आपकी एजुकेशन मार्कशीट हैं वो अवश्य लेकर जाएं। और दोस्तों साथ ही साथ आधार कार्ड पैन कार्ड और दोस्तों 5 पासपोर्ट कलर साइज फ़ोटो आपको लेके जानी है। और साथ ही साथ आपको बैंक पासबुक आपको लेके जानी होगी, जिसमें आपकी दोस्तों सैलरी क्रेडिट होगी। तो दोस्तों ये सब ये बातें हो गई डॉक्यूमेंट की। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं अप्लाई आपको करना होगा ऑनलाइन। तो दोस्तों जो भी इच्छुक कैंडिडेट इसकी जो है अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको टच करके डायरेक्ट फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों उसके बाद में बताया गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी CV जो है इसमें रिज्यूम आपको अपडेट अपलोड करना होगा। तो दोस्तों वो शॉर्ट लिस्ट करी जाएगी, जिसके बाद में आपको मैसेज आएगा या कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट और बेसिक इंटरव्यू होगा। बेसिक इंटरव्यू में दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये पास आउट करने के बाद इसका जो है रिटन इंटरव्यू, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपनी में होगा। उसके बाद में दोस्तों मेडिकल वगैरह करा के दोस्तों फाइनली आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी।
तो दोस्तों जो भी इच्छुक कैंडिडेट है यहाँ से आप जो है क्लिक हेयर पे टच करके इसको जो है डायरेक्ट इसका फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पे जाके अपनी सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी फिल करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके फॉर्म को उसको टच करेंगे लिंक को, डायरेक्ट इसके फॉर्म पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारे आज की वीडियो की जानकारी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।